साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में भले ही चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन बयानबाजी और दल बदल की राजनीति का दौर अभी भी जारी है। इसी क्रम में अब शिवपाल यादव का सीएम योगी से मिलना सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, आखिर सियासी गलियारों में क्या चल रहा है। भतीजे से चाचा का मोह भंग हुआ, बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं शिवपाल। सीएम से शिवपाल की मुलाकात के मायने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल यादव ने जहां एक तरफ विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और दूसरी तरफ शपथ के बाद वो तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने चले गए। सियासी हलकों में इस मुलाकात की चर्चा इसलिए भी गर्म हो गई है क्योंकि शिवपाल के सीएम से मिलने के तुरंत बाद स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी से मिलने पहुंच गए। अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे? खंडन भी कर रहे, कुछ नहीं बोलना। अब इस बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले अखिलेश की बैठक में शिवपाल का शामिल न होना और फिर बाद में सीएम योगी से मुलाकात करना कोई नया संकेत तो नहीं। कहीं शिवपाल यादव भी बीजेपी के खेमे में तो नहीं जा रहे। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल की इस नाराजगी की शुरुआत आज से करीब 6 साल पहले हुई थी, जब सपा की बागडोर मुलायम के हाथ से अखिलेश यादव के पास चली गई। जब मुलायम सपा की कमान थामे थे तो सपा में शिवपाल हमेशा नंबर 2 पर रहे और उनका सम्मान बना रहा। मगर और जैसे ही पार्टी अखिलेश के हाथ में आ गई तो शिवपाल को सम्मान नहीं मिलने से ये दूरियां लगातार बढ़ती गईं। शिवपाल और अखिलेश के बीच ये दरार इतनी बढ़ गई कि शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करके अपनी अलग जमीन तैयार करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। राजनीतिक मजबूरियों के चलते इस विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अखिलेश का साथ मंजूर किया और सपा के साथ अलायंस किया। चुनाव खत्म हो गए हैं और फिर एक बार सपा अध्यक्ष और प्रसपा प्रमुख शिवपाल के बीच मनमुटाव नजर आने लगा है। यही वजह है कि शिवपाल अब सत्ता में बैठे मंत्रियों के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। तो सपा और प्रसपा दोनों के बीच कहीं ना कहीं अनबन है। अगर बात करी जाए अनबन की तो कहीं ना कहीं अखिलेश और शिवपाल के बीच अनबन है, रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात शिवपाल की कई अटकलों को तेज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पर शिवपाल ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने तो ये कह दिया कि सही समय आने पर पता चलेगा, अभी ये समय ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्या सपा के साथ बनी रहती है प्रसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।